लगभग एक साल से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन के खत्म होने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब आखिरकार आंदोलनकारियों को झुकना ही पड़ा। इससे पहले वो आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए थे। आंदोलनकारियों के नेता राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने के मूड में थे ताकि वो राजनीति चमकाते रहें, लेकिन पंजाब के आंदोलनकारी नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। पंजाब के आंदोलनकारी नेता आंदोलन खत्म करने के मूड में थे, लेकिन टिकैत ही पेच फंसा रहे थे। हालांकि पीएम मोदी के ऐलान के बाद से ही पंजाब के आंदोलनकारी लोग घर लौटने लगे थे। वहीं आंदोलन स्थल पर लंगर भी बंद हो गया था। आंदोलनकारी लोगों ने पीएम मोदी द्वारा की गई आंदोलन खत्म करने की अपील को माना और घर लौटना शुरू कर दिया। तभी लगा था कि अंत में टिकैत को भी आंदोलन खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन स्थल पर जब लोग ही नहीं बचेंगे तो वो किसके सहारे आंदोलन करेंगे। बीते दिनों टिकैत जब धरना स्थल पर थे तब आंदोलनकारी लोगों की संख्या 100 से भी कम थी, जो कि टिकैत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। लोग समझ गए थे कि टिकैत और कुछ आंदोलनकारी नेता जानबूझकर आंदोलन को खींचकर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में वो अपने घरों को लौटने लगे। ये सब देख आंदोलनकारी नेताओं को भी आंदोलन खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच भी लगातार बातचीत जारी रही और केंद्र सरकार ने भी आंदोलनकारी किसानों की लगभग सभी बातें मानने को राजी हो गई है। इसके बाद आंदोलनकारियों पर आंदोलन खत्म करने का दबाव बढ़ा और उन्हें आंदोलन खत्म करना पड़ा। दरअसल कृषि कानून की वापसी के बाद आंदोलनकारियों और सरकार के बीच मुकदमा मुआवजा और MSP पर पेच फंसा हुआ था, जिसके बाद MSP पर सरकार ने समिति बनाने की बात कह दी है। वहीं मुआवजे को लेकर हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो अधिक मुआवजा देगी। इसके अलावा सरकार मुकदमा वापस लेने के लिए भी तैयार हो गई है। इसके बाद ही आंदोलनकारी आंदोलन खत्म करने को तैयार हुए हैं। वहीं MSP पर आंदोलनकारियों के रुख में भी नरमी से भी आंदोलन खत्म करने में मदद मिली है। कमेटी में किसान प्रतिनिधियों के तौर पर केवल संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को ही शामिल कराने की शर्त आंदोलनकारी नेताओं ने छोड़ दी है। आंदोलनकारी नेता योगेंद्र यादव ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने सारी चिंताएं दूर कर दी है। इसके अलावा राकेश टिकैत भी अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। टिकैत ने भी इशारों में ये बात कही है कि सरकार से बातचीत बन गई है। वहीं बॉर्डर खाली कराने में आंदोलनकारियों को 2 दिन का समय लगेगा। आंदोलनकारियों ने टेंट हटाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आंदोलन को खत्म करवा कर केंद्र सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अब विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा भी छिन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।